नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है इनोवेटिव आइडियाज फॉर चिल्ड्रन का आपका चैनल को आप में स्वागत कर लो आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग एक जो टॉपिक लेके आए बहुत पढ़ाई के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों कि ओलंपियड जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड होता है, इंटरनेशनल ओलंपियड मैथमेटिक्स वो भी होता है IOM IIM, वो शुरू हो रहा है, मतलब शुरू होने वाला है। आप पता ही होगा दोस्तों, लेवल वन IOM का जो लेवल वन है वो होगा 13th ऑफ दिस मंथ, मतलब नवंबर को 13th को शुरू होने वाला है मैथ्स का, क्लास 6 का मैथ्स का। दोस्तों, मैं आज करके आपको कैसे करना है, आपको टैकल ओलंपिया आपको टैकल कैसे करना है, लेवल वन आप कर पाएंगे तब दोस्तों जाके आपको लेवल टू में प्रमोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसी बारे में प्लीज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल का आइकन वो भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, चालू करते हैं क्लास 6 का ओलंपियन मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों। IOM, तो मैं यहाँ पे जो ओलंपियन का मैथमेटिक्स है वो दोस्तों आज मेरा टॉपिक होगा, आपको सिलेबस पता ही होगा दोस्तों। अब अगर पता नहीं है तो आप प्लीज नेट में चेक कीजिएगा, सिलेबस आपको आ जाएगा, और अगर डाउट हो तो प्लीज मैं आपको सेंड कर दूंगा सिलेबस का लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में वो टॉपिक है नंबर सिस्टम होगा, उसके बाद होगा कि नंबर सिस्टम, उसके बाद नंबर लाइन, उसके बाद होगा दोस्तों फ्रैक्शन। ये तीन टॉपिक आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, कल नेक्स्ट डे भी दोस्तों बहुत सारा टॉपिक, एक सब्जेक्ट की टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग बहुत ही जल्दी करना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप मतलब ऑनलाइन कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो दोस्तों उधर पैसा लगता है दोस्तों, नॉलेज के लिए हमेशा याद रखना दोस्तों, नॉलेज के लिए किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं, नॉलेज आपके अंदर गेन होना चाहिए दोस्तों। तो इसी कारण दोस्तों मैं आज विदाउट कोई पैसा, विदाउट कोई मानी आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगूंगा दोस्तों, वो चीज होगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट। प्लीज दोस्तों, वीडियो देख के आप निकल मत जाइए, प्लीज एक सब्सक्राइब का जो बटन है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी दोस्तों हम लोग एनकरेज होंगे, तभी दोस्तों हम आपके सामने नया कंटेंट, नया वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, उसके बाद फ्रैक्शन। दोस्तों, ये है IOM इंटरनेशनल ओलंपियन मैथमेटिक्स लेवल वन का, जो 13th ऑफ नवंबर को शुरू हो रहा है एग्जाम, ठीक है दोस्तों। प्लीज ध्यान से देखिएगा वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। चालू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर पहले आपको नंबर सिस्टम, नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन वो मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो नंबर लाइन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर पता नहीं है तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, पॉजिटिव नंबर लाइन क्या होता है, नेगेटिव नंबर लाइन क्या होता है, न्यूट्रल जो जीरो वो नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये प्रकाश दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, नंबर लाइन किसको बोलता है, यहाँ पे सपोज में यहाँ पे सपोज ये है पॉइंट ओ, जीरो ओ समझिए, जीरो समझे आपके, तो पॉइंट ओ, और यहां पे होता है दोस्तों प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, सब ये होगा दोस्तों राइट हैंड, राइट साइड, राइट हैंड में कर रहा हूं, तो दोस्तों राइट साइड, ये है राइट साइड, ठीक है राइट साइड। आप अगर राइट हैंड में जा रहे हैं तो राइट हैंड, राइट साइड, और राइट हैंड में हमेशा दोस्तों पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, हम लोग क्या बोलते हैं प्लस, पॉजिटिव। और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है दोस्तों। ये हुआ नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। और मिडल में यहाँ पे आप लोग देखा ओ पॉइंट या जीरो पॉइंट, आप ओ भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे ठीक तरह देखिए राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, हमेशा याद रखना। और दोस्तों एक बार, अगर फ्रैक्शन नंबर क्या क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन चाहिए मुझे, अभी मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, नंबर लाइन चाहिए मुझे दोस्तों। अगर सोचिए कि आपके पापा आपके और आपके बहन के लिए एक पिज्जा लेके आए, पिज्जा में क्या होता है 7 पीसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे 7, सपोज 7 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पापा ने बोला कि 7 पीसेस को बहन और आपके लिए मतलब हाफ करने के लिए
ताकि आप ज्यादा ना खाए, बहन भी ज्यादा ना खाए, तो हाफ कर दीजिए। तो दोस्तों इसकी कैसे हाफ करेंगे आप, इसको इसको कहेंगे दोस्तों, अगर सपोज ये दो ये एक पिज्जा को हाफ करेंगे तो दोस्तों यहां पे 2/7, ठीक है दोस्तों 2/7, दो इंसान के लिए 2/7, यहां पे 2/7 होगा फ्रैक्शन का दोस्तों 2/7। आपको आप सोच रहे होंगे कि नर्मदा तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो क्यों करा रहा हूं दोस्तों? डोंट वरी दोस्तों, मैं नर्मदा इसीलिए ड्रॉ किया हूं क्योंकि फ्रैक्शन को नर्मदा से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है दोस्तों। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2/7 ये पॉजिटिव 2/7 है, तो 2/7 दोस्तों कोई और एक दो, आपका दोस्त सपोज आपको दोस्त यहाँ पे लिखे 2/7 आपका, अगर आप अपने दोस्तों को बोलेंगे कि नंबर लाइन में मुझे 2/7 लिख के दिखा, तो वो क्या करे, एक दोस्त ने यहाँ पे लिखा 2/7, एक दोस्त ने इधर लिखा 2/7, ठीक है दोस्तों? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए दोस्तों नंबर लाइन इज मस्ट। तो दोस्तों नंबर लाइन देखिए माइनस, मैंने पहले आपको बोला कि ये राइट साइड होगा पॉजिटिव और 2/7 मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों पॉजिटिव ऑब्वियसली कहां पे होगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली राइट साइड ऑफ माय नंबर लाइन होगा दोस्तों, ठीक है? तो यहां पे 2/7 ये है 2/7, आप अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों आपको 0.something मिलेगा, ठीक है दोस्तों? 2/7 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.something मिलेगा। तो दोस्तों ये होगा यहां पे 0 और 1 के बीच में, यहां पे सपोज यहां पे यहां पे होगा दोस्तों 2/7, और आपका दोस्त कोई भी अगर नेगेटिव देगा तो वो रॉन्ग है, आपको ये नहीं करना दोस्तों। तो इसलिए मैं इसी कारण में दोस्तों नंबर लाइन आपको समझाया, ठीक है दोस्तों? मैंने यहाँ पे बोल दिया पिज्जा का स्लाइस, सपोज पिज्जा का स्लाइस यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, तो दो पोर्शन पापा ने बोला कि ये करो वो हाफ करने के, तो आप क्या करना होगा 2/7 करना। और दोस्तों और एक चीज आप सब सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर NOM और DONOM, ठीक है? तो दोस्तों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या है, न्यूमिनेटर मतलब दोस्तों वो 2, यहां पे 2/7 में ऊपर ऊपर जो है उसको हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, जो नीचे है, तो नीचे को यहां पे ऊपर को न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर को 7, ठीक है दोस्तों? इसको कहते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो दोस्तों यहां पे मैंने जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किया था वो ही फ्रैक्शन है, उसको ही कहते क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, डिवाइड नहीं होता, कोई एक पॉइंट डेसिमल आता है आपको, आप डेसिमल भी है आपके सिलेबस में दोस्तों, डेसिमल भी है, अगर आप यहाँ पे 2/7 को अगर डिवाइड करोगे दोस्तों तो यहाँ पे 0.something होगा दोस्तों, 0.3 होगा कुछ, ठीक है, 0.3 ऐसा कुछ होगा दोस्तों, 0.3 या 0.22 कुछ होगा, आप डिवाइड करके आप देख सकते हैं 0.2 से 0.25 वगैरह उधर भी आएगा थोड़ा नजदीक 0.2। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। तो मेरा जो टॉपिक था आज वो फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो इसी कारण था, मैं नंबर लाइन भी क्यों किया था आपको समझ आ गया होगा कि मैंने नंबर लाइन क्यों आपको समझाया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। आज का जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन का है दोस्तों, आपको मैं प्रॉब्लम करके समझा रहा हूं, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये इरेज कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने ये इरेज किया था, और दोस्तों आपको मैं एक बोला था प्रॉब्लम करके समझाऊंगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, मैं अभी एक दिखा रहा हूं मारो के, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 12 आवर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 12 आवर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको मतलब समझा के करके दिखा रहा हूं। 12 आवर का फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 12 आवर। तो दोस्तों एक दिन में 1 डिक्रेस्ट आपको पता ही होगा कितना आवर होता है, 1 डिक्रेस्ट 24 आवर्स, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर। तो दोस्तों 12 एक दिन में 12 12 आवर, यहाँ क्वेश्चन में जो बोला 12 आवर, तो यहाँ पे दोस्तों व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर मतलब एक दिन में 24 घंटा 24 आवर्स। तो यहाँ पे 12 आवर्स में कैसे करेंगे दोस्तों, 12 by 24, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 12 by 24। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्यों 12 by 24 किया, मैंने क्यों
क्यों नहीं मैंने 24/12 किया दोस्तों, आपको क्वेश्चन होगा ऐसा, यानी क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर, एक दिन में 24 घंटा, 12 आवर एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा ऑब्वियसली दोस्तों नीचे होगा 24 घंटा, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 12 घंटे, नहीं दोस्तों 24 घंटे नीचे होगा, ठीक है। 24 फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर, मतलब दोस्तों 12 आवर न्यूमरेटर में होगा, न्यूमरेटर जो ऊपर मैंने समझाया था न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर में होगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे 12/24 का आप कर सकते 1/2, ये भी सही है। अगर क्वेश्चन में आप अगर 12/24 भी लिखे हो तो ये भी करेक्ट है। और ओलंपिया में दोस्तों आपको रूल पता ही होगा, कोई भी पॉइंट वाइज ऑप्शन वाइज दिया होता है ABCD, ठीक है दोस्तों, आपको सेव करना पड़ता है। और दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इससे दोस्तों आप अगर आपको नहीं भी आता जो प्रॉब्लम वो भी दोस्तों करके आ जाइए, आप समझिए क्वेश्चन को फिर करके आ जाइए, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा दोस्तों। या फिर 12 अगर ऑप्शन में अगर 1/2 है तो आप अगर कैसे हो गया 1/2 दोस्तों, डोंट वरी, 12/24 को हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से, 12 मतलब 1, 12 मतलब 12, 24 मतलब 12 से 24, इसके 1/2 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1/2 वो भी करेक्ट है, अगर ऑप्शन में 12/24 भी दिया हुआ वो भी करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं और एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं, वो है दोस्तों एक डेफिनेशन आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब दोस्तों न्यूमरेटर जब दोस्तों मैंने आपको जाने से मतलब ये इरेज करने से पहले जो 12/24 लिखा था उसको आप समझ रहे होंगे कि ये 1/2 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों आपका सही है। और दोस्तों आपको मैं और एक डेफिनेशन पूछ भी सकते हैं ओलंपियन में कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मैं समझ रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका डेफिनेशन है जब दोस्तों न्यूमरेटर, मैंने आपको बोला था इसको क्या कहते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। दोस्तों न्यूमरेटर जब लेस होगा कम डिनोमिनेटर तब उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों यहां पे फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन में दो तरीके का होता है, एक है प्रॉपर, एक है PF और एक है इम्प्रॉपर, ठीक है दोस्तों प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। और यहां पे दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने जो बोला न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे एक एग्जांपल 12/24 देख लीजिए आप, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, यहां पे जस्ट 12/24 हो सकता है, न्यूमरेटर लेस ठीक है और डिनोमिनेटर ग्रेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर मोर ऑफ ग्रेटर, ठीक है दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उल्टा मतलब न्यूमरेटर सपोज न्यूमरेटर हो गया मोर 24/12, ठीक है न्यूमरेटर जब मोर हो जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर जब लेस हो जाता है तब हमको उसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए 12 का मतलब 1/2, यहां पे 12/2 डायरेक्ट 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में समझ आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सीरियस कर रहा हूं मैं। हाँ दोस्तों प्रॉपर मैंने फ्रैक्शन में प्रॉपर बोला, अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर पा कर रहा हूं मैं, इम्प्रॉपर भी बोला आपको। और दोस्तों ये दोनों आपको समझ आ चुका है, मैंने और एक चीज क्यों नहीं बोला उसका है आप सोच रहे क्यों नहीं बोला दोस्तों, ये मैं मतलब कुछ कारण है इसलिए मैंने नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला, वो है दोस्तों क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो दोस्तों यह मिक्स फ्रैक्शन और एक चीज है मिक्स फ्रैक्शन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड देन पार्ट नंबर। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं,
मैंने बोला ना यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर है नंबर पार्ट नंबर और होल नंबर में कॉम्बिनेशन है इट इज अ कॉम्बिनेशन आपको मैं लिखा थोड़ा एक लिख के समझा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड पार्ट नंबर ठीक है दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है देखिए आप सेवन टू बाई थ्री इसको कैसे करेंगे ऐसा अगर क्वेश्चन में आया है आप इसको कैसे करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कंफ्यूज मत होना दोस्तों क्वेश्चन को वाकारी से अधिक तरह से देखिए क्वेश्चन को सेवन इंटू टू बाई थ्री दोस्तों यहाँ पे सेवन थ्री से ट्वेंटी वन देखिए कैसे करना है आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है सेवन थ्री से ट्वेंटी वन यहाँ पे कितना था ट्वेंटी वन आता है ट्वेंटी और ऊपर यहाँ पे आपको इंटू करना है उधर आपको प्लस करना है इंटू करके प्लस दोस्तों हमेशा याद रखना पहले इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन उसके बाद प्लस ठीक है दोस्तों यहाँ एक रूल आपको मैं मतलब आपके लिए एक रूल मैंने आपको बोल रहा हूँ वो है दोस्तों आप समझ शायद से आप सुने ये रूल शायद से बदमाश बी ओ डी एम एल एस पहले मल्टीप्लीकेशन उसके बाद एडिशन ये चीज अप्लाई होगा दोस्तों यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन सेवन से ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री बाई थ्री तो यहाँ पे दोस्तों ट्वेंटी थ्री बाई थ्री ये दोस्तों बोलिए कौन सा फ्रैक्शन है कौन सा फ्रैक्शन ये बोलिए मुझे प्रॉपर है इम्प्रॉपर प्लीज आप मैं आंसर बताऊंगा लेकिन आप बिना आंसर के आप गैस कीजिएगा फिर मेरे साथ मिलाए ये है दोस्तों मैं क्या बोला प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर तो ये न्यूमरेटर बड़ा है दैट मींस इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होगा इम्प्रॉपर दोस्तों आपको आप ओलंपियड में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रॉपर इम्प्रॉपर ऑप्शन दे सकते हैं कोई नंबर देकर ऑप्शन दे सकते हैं तो आपको दोस्तों ऐसे निकाल के आपको राफ करके निकाल के आपको आंसर करना होगा दोस्तों और आप दोस्तों मतलब इतना भी डाउट मत हो जाए कि हाँ कैसे कर नहीं दोस्तों कोई भी डाउट मत रखिए अपने लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आने वाले जो हमारा लेसन है वो इसी के ऊपर बेस होके आएगा ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों आज जो मैंने किया है प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड वो जरूर अपने अपने टाइम में जरूर आप मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद आपको आएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आज का मेरा जो इतना था वो आज के लिए था क्योंकि मैं कल फिर से लेके आऊंगा क्योंकि थर्टीन को एग्जाम है तो मैं फिर से लेके आऊंगा कल और दोस्तों अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप सोच रहे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे ठीक है दोस्तों तो आज का यहाँ पे टॉपिक कल फिर और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे तो दोस्तों धन्यवाद थैंक यू जय हिंद।